प्यारे छात्रों, चलिए चलते हैं, अब हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछले फिजिक्स की क्लास में हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़े थे, उसके बनावट का चर्चा किए थे, उसका कितना गतिज ऊर्जा होता है, उसका कितना वेग होता है, तो ये सब सारा चीज हम लोग डिस्कस किए हुए थे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि उसके आगे का पढ़ना कि क्या हम लोग का टॉपिक्स है। तो उसके आगे का जो टॉपिक्स है वो बियो शावर्त नियम है। बियो शावर्त नियम, बियो शावर्त नियम, ये बहुत वीवीआई पॉइंट्स है। बियो शावर्त नियम के बारे में पढ़ेंगे कि ये बियो शावर्त नियम क्या है, ये कैसे काम करता है। तो हम लोग अब बियो शावर्त नियम के बारे में पढ़ने से पहले उसके नीचे कुछ एरो देखकर कुछ बात लिखेंगे। लिखा जाए बियो और शावर्त, बियो और शावर्त तथा लॉपलॉस ने किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी के लिए चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित करते हैं, बी के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया जिसे बियो शावर्त नियम कहा जाता है। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं कि ये बियो शावर्त नियम क्या बतलाता है। आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि बियो शावर्त नियम का जो गणितीय व्यंजक दिया था वो तीन वैज्ञानिकों के नाम से प्रचलित है। पहला है बियो, ये भी वैज्ञानिक का नाम है, शावर्त और लॉपलॉस, ये तीनों वैज्ञानिक का योगदान रहा इस नियम को बतलाने में, प्रूफ करने में, देने में। तो बियो शावर्त नियम क्या है, तो इसका जो प्रतिपादन किया बियो शावर्त और लॉपलॉस ने किया। क्यों किया, ताकि अगर मान लिया कि कोई वायर है जिसमें अगर करंट आई देंगे, तो हम लोग तो जानते हैं कि किसी भी वायर में अगर आई करंट देते हैं तो वहां से चुंबकीय का गुण भी पता चलता है। ये हम लोग पहले ही इसी चैप्टर में पहला टॉपिक्स पढ़े थे चुंबकीय गुण के बारे में कि वो कैसे आता है। तो किसी भी वायर में अगर जब करंट देते हैं तो उस करंट को देने की वजह से हमें चुंबकीय गुण, चुंबकीय प्रभाव दिखता है, ये हम लोग पहले पढ़े थे। तो वहां पढ़े थे कि किसी भी वायर में अगर आई करंट दिया जाता है तो हमें चुंबकीय गुण प्राप्त होता है। अब बियो शावर्त नियम ये बतलाया जाएगा कि किसी भी वायर में जब करंट दिया जाता है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो दोनों में रिलेशन क्या है, वो दोनों में क्या फार्मूला है, क्या संबंध है, क्या गणितीय व्यंजक है, इसको देने के लिए ही आया है बियो शावर्त नियम। यानी कि एक फार्मूला बनेगा यहां से, यानी कि बियो शावर्त और लॉपलॉस ने क्या किया, वही चीज को गणितीय में यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू में, न्यूमेरिकल फार्मूला के लिए डिराइव कर दिया, उसको प्रूफ कर दिया। पहले तो हम लोग पढ़े ना कि किसी भी वायर में अगर करंट देते हैं तो चुंबकीय गुण प्राप्त होता है, लेकिन इस बार हमें उसका फार्मूला मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बियो शावर्त नियम। तो उसके आगे का एरो देंगे, लिखेंगे बियो शावर्त नियम के अनुसार। अब चलिए बियो शावर्त नियम का कुछ पॉइंट है, बियो शावर्त नियम के अनुसार के बाद ले लेंगे कॉमा, अनुसार के बाद कॉमा देंगे, उसके बाद
पहला बात, दूसरा बात, मतलब उनके अनुसार क्या क्या बताया गया है वो सारा चीज। तो पहला में लिखेंगे, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा आई 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 से सूचित करते हैं, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा आई कॉमा चुंबकीय क्षेत्र ब्रैकेट में डीबी। याद रहे बी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, लेकिन डी लगा दिया इसका मतलब है कि वो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू बहुत छोटा है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र के ब्रैकेट में लिखेंगे डीबी के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। तो प्यारे छात्रों, पहला ये बियो सावर्त नियम में बताया गया कि जो एक वायर में जब हम लोग करंट देंगे तो जो डीबी का वैल्यू होगा, डीबी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र का समानुपाती होगा किससे, उसमें जो विद्युत धारा देंगे उससे। तो इसको मान लेना है, घेर के लिख देना है समीकरण नंबर एक। यानी कि पहला बियो सावर्त नियम क्या बोला, पहला ये बोला कि कोई भी चालक में अगर विद्युत धारा अगर आई प्रवाहित करेंगे तो उससे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डीबी वो दोनों समानुपाती होता है, ये पहला इक्वेशन। अब चलिए दूसरा में लिखेंगे, दूसरा लिखा जाए चालक के अल्पांश लंबाई, चालक के अल्पांश, अल्पांश का मतलब थोड़ा सा छोटा सा, अल्पांश लंबाई ब्रैकेट में डीएल, चालक के अल्पांश लंबाई डीएल कॉमा कॉमा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ब्रैकेट में डीबी, चुंबकीय क्षेत्र ब्रैकेट में डीबी के समानुपाती होता है। चलिए इस बार क्या बताया गया कि अगर मान लिया मेरा वायर बहुत बड़ा है, ये तार बहुत बड़ा है जिसमें हम लोग करंट पास करने वाले हैं, तो अब इसका थोड़ा सा छोटा सा लंबा टुकड़ा का ही हम लोग मेजर करेंगे, छोटा सा टुकड़ा ही लेंगे, यानी कि छोटा सा टुकड़ा का नाम हो गया डीएल और चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू छोटा सा है ही है जिसका नाम डीबी है, हम लोग तो पहले भी लिखे। तो दूसरा वाला ये बताया कि इस बार भी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो छोटा सा जो अल्पांश लंबाई का टुकड़ा है मतलब कि डीएल उसके समानुपाती होगा, इसको मान लेना है समीकरण नंबर टू। तो दूसरा जो हम लोग एरो दूसरा पॉइंट लिखें उसके नीचे ये दूसरा समीकरण को लिखना है, पहला वाला जो बात लिखे उसके नीचे पहला समीकरण लिखना है। अब लिखेंगे तीसरा बात, ये बियो सावर्त का नियम है, यानी कि जैसे न्यूटन का नियम हम लोग कैसे पढ़ते हैं, न्यूटन का प्रथम लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ और तीनों के बारे में अलग अलग नियम है, वैसे ही बियो सावर्त नियम भी कुछ बतलाता है। तो पहला बात क्या बतलाया, पहला बात कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के समानुपाती, समझ में आ रहा है, ये हम लोग लिख रहे हैं ताकि वो जो हम लोग ऊपर लिखे हैं उतना बड़ा सेंटेंस उसको हम लोग छोटा में समझ सकते हैं, इसलिए इसको फार्मूला के तौर पर लिख दिया गया है, गणितीय व्यंजक के तौर पर लिख दिया गया है। चलिए अब तीसरा में लिखेंगे, तीसरा तीसरा में लिखा जाए अल्पांश लंबाई तथा अल्पांश लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाले रेखा के बीच, बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की जया का अंग्रेजी में बोलते हैं साइन, थीटा की जया के समानुपाती होता है,
के समानुपाती होता है। चलिए अब जरा इसको समझते हैं कि ये थीटा की जया क्या है। देखिए हम लोग ट्रिगो पढ़ते हैं ना कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा, राइट। तो ये थीटा का मतलब हुआ कोण, और ये जो थीटा है वो किसके साथ जाएगा, तो जया के साथ, और जया का अंग्रेजी होता है साइन। तो पूरा मिला के हम लोग लिख सकते हैं थीटा की जया का मतलब साइन थीटा, थीटा की जया का मतलब साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे कि कॉस का हिंदी क्या होता है, तो उसका पता नहीं, लेकिन साइन का वैल्यू हिंदी होता है जान लीजिए जया। सबका अंग्रेजी नहीं दिया हुआ, हिंदी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसका यूज नहीं है, सिर्फ साइन का यूज, और होता भी होगा तो फिलहाल पता नहीं है। कॉस का क्या होता है हिंदी, टैन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, इसका फुल नेम बद पता है कि कॉस को कोसाइन बोलते हैं, टैन को टेंजेंट बोलते हैं, कॉट को कोटेंजेंट बोलते हैं, लेकिन यहां पे जो जया है उसका मतलब समझना है साइन, राइट। अब चलिए तो इस तरह से थीटा की जया का मतलब तो हो गया कि साइन थीटा। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये थीटा जो है वो किसके किसके बीच का कोण है, तो जरा आप वेट कीजिए बस थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा कि ये थीटा क्या है। और हम लोग इसके पहले लिखें तीसरा में ही कि अल्पांश तथा अल्पांश को पी बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। तो अब जरा वेट कीजिए, हम जब फिगर बनाएंगे तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा कि थीटा कहां से आया है और साइन थीटा हम लोग कैसे लेंगे। तो तीसरा वाला से ये पता चल रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू है डीबी वो समानुपाती हो जा रहा है साइन थीटा का। क्या लिखे अभी, साइन थीटा के समानुपाती होता है अल्पांश की लंबाई और उसके बीच का कोण थीटा का जया यानी कि साइन थीटा चुंबकीय क्षेत्र का समानुपाती होता है। उसमें अधूरा लिखे होंगे तो लिख दीजिएगा थीटा की जया कॉमा चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है। मतलब ऐसा थीटा की जया के डायरेक्ट बाद हम बोल दिए हैं कि समानुपाती होते हैं, वहां पे छूट गया होगा, थीटा की जया कॉमा चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है, यानी कि डीबी समानुपाती साइन थीटा। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। चलिए अब उसके बाद हम नंबर फोर लिखते हैं, चौथा लिखा जाए अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी फोर नंबर में बिंदु P के बीच की दूरी R के वर्ग कॉमा आर के वर्ग कॉमा चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए चौथा क्या बोला कि चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू डीवी। अब ये बोल रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती किसके, तो अल्पांश है और अल्पांश से एक बिंदु P है उसके बीच का दूरी कितना है R, यानी कि एक R जो है एक दूरी बतला रहा है दोनों के बीच, डिस्टेंस दूरी। तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/ किसका, तो दूरी का, यानी कि R का वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से हमें बियो सावर्त जो नियम है वो चार बात को फॉलो करता है। अब जरा समझते हैं कि ये क्या क्या बोलता है, इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। पहला डीबी समानुपाती आई, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। याद रखिए बियो सावर्त नियम जो है वो चार बात को बतलाता है। पहला, किसी भी वायर में किसी भी चालक तार में अगर विद्युत धारा I देंगे वो भी चुंबकीय क्षेत्र का समानुपाती होगा। किसी अल्पांश लंबाई का कोई टुकड़ा तार का लेंगे वो भी चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा। कोई भी एंगल, और एंगल में किसका, साइन का, याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का समानुपाती होता है।
और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चलिए इन बातों को समझने के लिए अब इसके नीचे कुछ फिगर बनाएंगे और फिगर को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक वायर है, ये क्या है, एक वायर है, एक तार है, ये इसको इधर मिटा देते हैं थोड़ा सा, समझिएगा कि ये तीन और ये चार समीकरण है। एक वायर है और इस वायर में प्यारे छात्रों हम लोग आई करंट पास कर रहे हैं, इस वायर में आई करंट दे रहे हैं। अब इस आई करंट दे रहे हैं तो सबसे पहले आप समझिए कि छोटा सा टुकड़ा तो हम लोग कहीं भी कट कर सकते हैं, ये तार इतना बड़ा है तो हम लोग छोटा सा टुकड़ा इट मीन्स कि ऐसे कहीं भी कट कर सकते हैं। तो ये जो टुकड़ा है इसको थोड़ा सा हम कलरफुल दिखा रहे हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है भाई, डीएल है, डीएल मतलब छोटा सा टुकड़ा है। अब इस छोटे से टुकड़ा का नाम क्या है, डीएल, और कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट का नाम पी है, और याद रखिए ये जो बिंदु है उसका नाम पी है, हालांकि ये बिंदु क्या बतला रहा है, तो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र बतला रहा है। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि इस पॉइंट का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र आपके तरफ आ रहा है, राइट, तो जब आपके तरफ आ रहा है तो एक बिंदु के समान ही नजर आएगा, और अगर ऐसे जाता तो एक रेखा के समान नजर आता। तो कहने का मतलब ये पॉइंट जो है, पॉइंट का नाम पी है, हालांकि ये पॉइंट क्या प्रदर्शित कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को, और कैसा चुंबकीय क्षेत्र, तो छोटा सा, इसीलिए हम यहां एक ठो बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां पे बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, लेकिन यहां पे एक का मतलब कि छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, कम वैल्यू वाला चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पे एक पॉइंट है जो बतला रहा है डीवी, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके इसके बीच का जो दूरी है वो इसके बीच का दूरी क्या है, आर है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी आर है। और अगर मान लिया, हम लोग तो पढ़े हैं ना स्पर्श रेखा पढ़े हैं, जैसे मान लिया एक वृत्त है, तो यहां पे अगर ऐसे ऐसे अगर हमको चलना होगा तो यहां से टेंजेंट स्पर्श रेखा इधर की ओर होगा, यहां पे सामने होगा, यहां पे बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे होता है स्पर्श रेखा, और ऐसी स्पर्श रेखा बहुत खींची जा सकती है। तो अगर मान लिया कि यहां पे तार जो है मुड़ा हुआ है, तो ये अल्पांश का जहां पे टुकड़ा कट किए हैं वो बिल्कुल ऐसे जाएगा। अगर मान लिया कि अल्पांश का टुकड़ा यहां काटते तो ये बिल्कुल सीधा जाता, यानी कि जो अल्पांश का टुकड़ा हम लोग काटे हैं वहां से बिल्कुल ऐसे जाएगा एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है। और ये जो इसके बीच में है, मान लिया कि एक वेक्टर है जिसका नाम है आर कैप, आर कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश जिसको बोलते हैं, ये अपने से माने हुए हैं, और प्यारे छात्रों इसी के बीच जो एंगल है वो एंगल थीटा है, इसीलिए हम लोग यहां थीटा के बारे में पढ़े कि थीटा क्या है। तो अल्पांश से अल्पांश और अल्पांश के बीच में जो दूरी है उसके बीच की रेखा के बीच की कोण थीटा, और 1/r² में r क्या है, तो dl और p बिंदु p के बीच की दूरी, और बिंदु p का मतलब क्या, तो बिंदु p का मतलब यह हुआ कि जहां पे चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू है। तो टोटल मिलाकर हम लोग ये जो फिगर बनाए हैं इसमें सब कुछ है, dv है, i है, देख रहे हैं ये वायर है जिसमें हम लोग i करंट दे रहे हैं, और डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीएल का मतलब छोटा सा टुकड़ा, साइन थीटा, थीटा का मतलब डीएल से जो पास करेगा किरण, और डीपी को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा, 1/r², ये भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही है। तो आपको चारों बात लिखने के बाद उसके नीचे फिगर बना लेना है। अब ये फिगर बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए क्योंकि यही है बियो सावर्त नियम का फिगर। अगर आपको कहीं भी आएगा कि बियो सावर्त नियम को लिखिए तो बिल्कुल चार बात को लिखना है और चार बात के नीचे फिगर बना लेना। चलिए अब हम उसके आगे लिखते हैं कि ये चार समीकरण को
अगर एक मिनट यहां पे तुम लोग को यूज करना था डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये समीकरण नंबर एक है। उसके नीचे फिगर बना लीजिए, फिगर बना लिए होंगे, हम मिटाते हैं। अब हम लोग चारों समीकरण को एक साथ करने वाले हैं, यानी कि हम लोग ऐसे करने वाले हैं, समीकरण फिगर के नीचे समीकरण एक दो तीन एंड चार से, अगर हम लोग चारों समीकरण से अगर चलने वाले हैं, इट मींस कि यहां पे एक दो तीन चार, यानी कि ये समीकरण थर्ड था, ये समीकरण फोर्थ था, तो चारों समीकरणों को एक साथ मिलाएंगे तो देखिए एलएचएस में क्या है, डीबी 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 है, तो यहां लिख दीजिए डीबी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, समानुपाती का साइन है, समानुपाती का साइन लिख देंगे। अब ऊपर में क्या है तो आई, ऊपर में डीएल, ऊपर में साइन थीटा, लेकिन ये आर स्क्वायर कहां है, नीचे में है, तो हम टोटल मिलाकर जो ऊपर है उसको ऊपर लिखते हैं आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, यानी कि जो चारों समीकरण है उसको अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो अब हमें क्या मिलता है, डीबी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब हम लोग यहां पे समानुपाती का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है, स्थिरांक लिखते हैं, तो यहां हो जाएगा डीबी इक्वल के आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। तो ये फिगर के नीचे आगे का प्रूफ करना है, यानी कि इसके बाद जो है फिगर बनाना है जो इधर बनाए थे, फिगर के नीचे ये सब समीकरण से चल के हमें प्रूफ करना है। तो अच्छा, यहां के बाद चूंकि k की जगह पे यहां पे स्थिरांक है और स्थिरांक का वैल्यू रखना है म्यू नोट बटा 4π, याद रहे यहां पे k का वैल्यू कितना रखना है, म्यू नोट बटा 4π। तो आगे हम लोग का डीबी का फार्मूला कैसे बनेगा वो जरा देखते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू का फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, डीबी इज इक्वल टू के की जगह पे कितना रखना है, म्यू नोट बटा 4π, म्यू नोट बटा 4π इंटू, अब के की जगह पे इतना वैल्यू रख दिया तो टोटल तो उतना ही रहेगा, यानी कि आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। तो ये कुल मिलाकर हमें बियो सावर्त नियम का फार्मूला हो गया। अगर हमें कोई बियो सावर्त नियम का अगर फार्मूला पूछेगा तो हम लोग इतना चीज बता सकते हैं कि म्यू नोट बटा 4π आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग यहां पे एक और चीज कर सकते हैं कि ये साइन थीटा किसके किसके बीच है, तो अभी हम लोग फिगर देख रहे थे कि यहां डीएल था, यहां आर का कैप था और एक तरफ डीएल का साइन था, यानी कि डीएल और आर के बीच का जो कोण था वही थीटा था। तो हम इसको या करके ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ए क्रॉस बी का वैल्यू जो होता है वो ए बी साइन थीटा होता है, तो इस साइन थीटा को हटाने के लिए हम लोग क्रॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, ये हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं, तो इसको अगर वेक्टर में चेंज करना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बटा 4π आई को बाहर ले लेंगे और डी एल और आर कैप के बीच में क्रॉस कर देंगे, तब हो जाएगा डी एल आर साइन थीटा, जहां आर कैप का मतलब होता है 1, यूनिट वेक्टर है आर, यूनिट वेक्टर मतलब आर का कैप का मतलब इसका मान 1 है, तो डी एल आर साइन थीटा ऐसे लिखेंगे डी एल आर साइन थीटा, जैसे कि ए क्रॉस बी का वैल्यू ए बी साइन थीटा, तो डी एल आर कैप का मतलब डी एल आर साइन थीटा और इसका तो वैल्यू 1 है तो डी एल साइन थीटा हो गया, यानी कि डी एल साइन थीटा को हम लोग डी एल इन क्रॉस आर कैप लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू हो जाएगा डी एल आर कैप साइन थीटा, आर कैप का तो वैल्यू 1, तो टोटल मिलाकर डी एल साइन थीटा हो गया, तो आई को हम बाहर छोड़ देंगे, इसके जगह पे डी एल क्रॉस आर कैप बट्टा आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हम लोग एक ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, चूंकि यहां वेक्टर लगा दिए हैं तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में और ये बिना वेक्टर फॉर्म में, तो दो फार्मूला हमें बियो सावर्त नियम से मिलता है कि क्या क्या है।
अब चलिए जो बियोशावर्त नियम से फार्मूला मिला है और एक हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट खंड का पहला चैप्टर में, वहां पे पढ़े थे क्या, तो वहां पे पढ़े थे कूलॉम्ब का नियम। तो आपको पता होना चाहिए कूलॉम्ब के नियम से कुल बल का फार्मूला कितना होता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R2। ये बताता है क्या प्यारे छात्रों, कूलॉम्ब का नियम, कूलॉम्ब का नियम। और एक तरफ अभी जो हम लोग पढ़े वो बियोसावर्त नियम, बियोसावर्त नियम में क्या पढ़े कि चुंबकीय क्षेत्र बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू IdL साइन थीटा बटा R2। आप देखिए दोनों चीजों को, एक तरफ आपका कूलॉम्ब का नियम है और एक तरफ बियोसावर्त नियम है, बियोसावर्त नियम। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यही चीज कि वहां पे जब हम लोग कूलॉम्ब का नियम पढ़ते थे और यहां पे अभी हम लोग पढ़े बियोसावर्त नियम में, इसमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, यानी कि ये दोनों में क्या एक जैसा है, तो यहां पे भी एक जैसा। ये बात है कि दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, यहां भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है हमारा समानताएं और ये हम कुल कूलॉम्ब के नियम में, ये दीर्घ रेंज के लिए, बहुत बड़ा वैल्यू के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। सेम चीज बियोसावर्त भी बड़े चीजों के लिए यानी कि दीर्घ प्रास के लिए यूज हो सकता है। तो दोनों में समानताएं क्या हुआ, यानी कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि बियोसावर्त नियम में और कूलॉम्ब के नियम में क्या समानताएं हैं, यानी कि कौन सा बात एक जैसा है, तो पहला बात कि यहां पे भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बियोसावर्त नियम में भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो यह पहला समानता। दूसरा समानता कौन सा, तो दूसरा समानता यह कि ये भी क्या करता है, तो दीर्घ रेंज के लिए, बहुत बड़ा क्षेत्र के लिए वैल्यूएबल है और ये भी बहुत बड़े क्षेत्र के लिए यानी कि दीर्घ प्रास के लिए अप्लीकेबल है। और इसमें अगर असमानता का बात करें तो इसमें अगर पहला असमानता है तो यहां पे चूंकि आवेश है और यहां पे करंट है, तो असमानताएं तो हो सकती है अलग अलग। तो हम लोग अगले क्लास में यही पढ़ने वाले हैं कि कूलॉम्ब के नियम और बियोसावर्त नियम में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, मतलब कि दोनों में हम लोग तुलना करने वाले हैं कि कौन सा बात सेम है और कौन सा बात अलग अलग है। तो चलिए आज तक की क्लास को यही एंड करते हैं। आप चीजों को बिल्कुल बढ़िया से समझिए, बढ़िया से नोट डाउन कीजिए, बढ़िया से प्रूफ को समझिए और इसको एक दो बार घर पे प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे प्रूफ करके आता है। धन्यवाद।